हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और यार आगे भी अच्छे ही रहना। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग बात करने वाले हैं हमारे ढेर सारे अपकमिंग इवेंट के बारे में। जो भी लोग हमारे बुया इवो बंडल रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं, फाइनली उनके रिगार्डिंग मेरे पास एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। क्या है न्यू बुया बंडल की अपडेट, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। जिसके पास जर्सी नहीं है या फिर जर्सी आने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा स्पेशल जर्सी रॉयल। वाह, क्या सीन है। सितंबर मंथ तो हुला लाला करके चला गया, ना ही कोई अपने को मिस्ट्री शॉप देखने को मिला, ना ही कोई लकी वेल। लेकिन क्या इस बार अपने अक्टूबर मंथ में कोई मिस्ट्री शॉप आएगा या फिर कोई लकी वेल, इसके बारे में भी बात करेंगे। दिवाली इवेंट के अंदर से कौन कौन से रिवॉर्ड फ्री में मिलेंगे, वो भी 42 अपडेट जैसे बहुत सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आज के टूनेट अपडेट की, क्योंकि अपने गेम के अंदर जो टॉप अप इवेंट है ना, वो आज खत्म हो जाएगा और कल न्यू टॉप अप इवेंट आएगा। न्यू टॉप अप इवेंट का आप लोग ऑफिशियली बैनर देख सकते हो, जो कि 100 डायमंड का रहेगा और इसके अंदर अपना फुल रैकेट का इमोट दिखने को मिलेगा। बैकग्राउंड में जो गाइस आप लोग रिव्यू देख रहे हो ना, इस टॉप अप इवेंट का ऑफिशियली रिव्यू नहीं है, ठीक है। बाहर के सर्वर में बहुत टाइम पहले ये टॉप अप इवेंट आया था ना, उसका रिव्यू है। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इमोट को दिखाने के लिए ये रिव्यू दिखा रहा हूँ। इमोट को आप लोग देख सकते हो, यही फुल रैकेट का जो इमोट है ना, वो कल 100 डायमंड के टॉप अप इवेंट में अवेलेबल हो जाएगा। बैट की स्किन और नेड की स्किन बैनर के अंदर शो नहीं किया गया है, तो मे बी पॉसिबल है कि सिर्फ कल इमोट ही आएगा। वाओ। अब गाइस मैं आपको OB42 अपडेट की बहुत ही मस्त मस्त सी जानकारी देने वाला हूँ। चलो भाई, OB42 अपडेट के अंदर एक न्यू इवो गन आने वाली है, जिसका लुक कंफर्म हुआ है और इस इवो गन का लुक आप लोग देख सकते हो, जो कि कुछ ऐसी रहेगी। इवो गन का लुक तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी पता ये नहीं चला है कि आखिर ये कौन सी गन है। लेकिन आपको याद होगा, थोड़े ही टाइम पहले मैंने आप सबको बोला था कि OB42 अपडेट के बाद ट्रोगन की न्यू इवो गन आने वाली है, तो मे बी पॉसिबल है कि यार ये इवो गन अपनी ट्रोगन की गन हो। ये इवो गन स्किन देख के मुझे गाइस एक और चीज याद आई है। अच्छा, OB40 अपडेट आने से पहले गरेना ने सर्वे के अंदर इन सारी गन स्किन को दिखाया था और कहा था कि आने वाले टाइम में इनमें से कुछ गन स्किन गेम के अंदर आएगी। और ये देखो गाइस, जो न्यू इवो गन आने वाली है ना, इसको भी यहाँ पे शो किया गया है। अब यार इसका तो मतलब यही हुआ कि आने वाले टाइम में ये सारी गन स्किन आएगी। बाकी गाइस यार अभी तो यही अपडेट है, लेकिन कन्फर्म करने के लिए अपने को एडवांस सर्वर आने का वेट करना पड़ेगा, तब भी सारी चीजें कन्फर्म होगी। बात तो सही है। OB42 अपडेट से रिलेटेड गाइस एक और पोस्टर मिला है, जिसके अंदर ये जो है ना, ये न्यू कैरेक्टर है। फिर यहाँ पे देखो गाइस, एक मोड को शो किया गया है, जो कि गाइस OB42 अपडेट के बाद आने वाला एक न्यू मोड रहेगा। लेकिन भाई सिर्फ फोटो से पहचानने में नहीं आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि यार मैप के अंदर ठीक है स्नो आने वाली है, तो मे बी पॉसिबल है कि ये स्नो ऐसा ही कुछ रहेगा। तीसरे नंबर पे ओरियन कैरेक्टर को दिखाया है, इसका मतलब तो भाई यही है, या तो ओरियन कैरेक्टर की चिप्स आने वाली है, नहीं तो भाई इसकी जो एबिलिटी है ना, इसके जो पावर है ना, उसे थोड़ी सी डाउन करी जाएगी। वैसे गाइस इन तीनों के बारे में मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर ठीक है फुल डिटेल में बात करी है, और कुछ एक्स्ट्रा OB42 अपडेट के बाद चेंजेस हो गए ना, उसके बारे में भी बात करी है, तो चैनल पे जाके आप लोग इस वाली वीडियो को देख लेना। वाह, क्या सीन है। न्यू इवो कटाना, जो कि हमें डुओ फॉर्म में देखने को मिलेगी, और इसका रिव्यू तो आप लोगों ने बहुत ही बार देखा होगा। इवो कटाना आपको पसंद है या फिर नहीं पसंद, आप लोग डिसाइड कर लो, क्योंकि इसका इवेंट आने वाला है। इवेंट कब आएगा वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें ये चीज बता देता हूँ कि आखिर इवो कटाना को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो यार देखो, इवो कटाना कुछ ऐसे नहीं है ठीक है, कि भाई अगर तुमने परचेस कर ले तो सामने वाले बंदे की फट के चार हो जाएगी, ठीक है।
भाई कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं तो यही सोचता हूँ कि भाई कोई भी कटाना की स्किन ठीक है, फिर चाहे वो इवो हो या फिर नॉर्मल, उसे परचेस ही नहीं करना चाहिए। अबे ऐसा कहने के पीछे मेरा रीजन ये है कि जब से कटाना की स्किन का एनिमेशन चेंज हुआ है, ठीक है, यानी आपको पता होगा पहले कटाना अपन लोग हाथ में रख सकते थे और आगे की तरफ रहता था, लेकिन भाई जब से एनिमेशन चेंज हुआ है ना, कटाना की स्किन भाई पीछे आ जाती है। वैसे ये न्यू इवो कटाना की स्किन आपको डुओ फॉर्म में यानी टोटल दो कलर स्किन में देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको स्पेशल किली इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर इमोट कोई नहीं है। और अच्छी बात थोड़ी सी ये भी है कि इसे अपने को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। रही बात मेरी कि मैं निकलूंगा या फिर नहीं, तो देखो गाइस मैं तो यूट्यूबर हूं, ठीक है भाई, मुझे तो थोड़े बहुत यूट्यूब से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, पापा का पैसे उड़ाते हो ना, तो आप मत निकालना, बाकी आपकी आगे मर्जी। रही बात इवो कटाना की डेट की, तो गाइस ये आपको आने वाले 15 अक्टूबर से पहले ही देखने को मिलेगा, ये बात कंफर्म है। बाहर के सर्वर के अंदर ये फेडल विल में आने वाली है, लेकिन मुझे पक्का पता है कि गरेना इसे अपने इंडियन सर्वर में टोकन विल में ही देगा। मे बी पॉसिबल है कि भाई वेब इवेंट में भी आ जाए, लेकिन अभी आप लोग वेट करो कंफर्म होने का। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग इससे निकालने वाले हो या फिर नहीं। वाओ, वेरी डेंजरस। न्यू जर्सी, ओल्ड जर्सी या फिर किसी भी टाइप का जर्सी इवेंट काफी टाइम हो चुका है अपने इंडियन सर्वर में नहीं आया है, लेकिन आप लोग टेंशन ना लो, बहुत जल्द आने वाला है जर्सी रॉयल। और कैसे, यही नहीं, इस जर्सी रॉयल के अंदर आपको ओल्ड प्लस OB42 अपडेट के बाद कुछ न्यू जर्सी आने वाली है ना, वो भी साथ में देखने को मिलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो कैसे इसके पीछे एक रीजन है कि OB42 अपडेट के बाद गरेना कोलैबोरेशन करने वाला है अपने सुनील छेत्री सर के साथ। इसी कोलैबोरेशन स्पेशल गाइस बहुत ही सारी न्यू जर्सी आएगी और साथ में आपको ओल्ड जर्सी भी रिटर्न में देखने को मिलेगी। मैं तो तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि OB42 अपडेट अपने इंडिया के लिए इस बार सबसे ज्यादा बेस्ट साबित होगा। जब ये कोलैबोरेशन होगा ना, तभी गाइस आपको जर्सी रॉयल देखने को मिल जाएगा। बाकी अभी से इसकी डेट बताना मुश्किल है, तो भाई डेट मत पूछना, लेकिन एक बात याद रखना, जर्सी रॉयल आने वाला है, ये बात तो ऑफिशियली कन्फर्म है। मेरे को ऐसा धक धक हो रहा है। जो इवेंट आप सबका फेवरेट है, वही इवेंट मेरा भी फेवरेट है, यानी बात करते हैं अपने दिवाली इवेंट 2023 की। अब जो गाइस मैं आपको बताना जा रहा हूँ ना, उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात तो कन्फर्म है, ठीक है। तो भाई इस बार दिवाली के टाइम आपको कुछ रिवॉर्ड्स फ्री मिलेंगे, जो कि 100% कन्फर्म है। जैसे कि 100% कन्फर्म आपको एक मैजिक क्यूब फ्री मिलेगा, या फिर गाइस ये भी हो सकता है कि आपको टोटल 2 मैजिक क्यूब मिल जाए, क्योंकि पिछली बार टोटल 2 मैजिक क्यूब फ्री मिले थे। इसके अलावा आपको इमोट मिलेगी और लेजेंडरी गन स्किन मिलेगी। लेजेंडरी गन स्किन के अंदर गाइस अच्छी अच्छी गन स्किन रहेगी, ठीक है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मे बी पॉसिबल है कि भाई ये इनक्यूबेटर की भी गन स्किन हो, यानी गन स्किन तो कतई जहर हो गई। बाकी इस बार आपको अच्छे इमोट मिलेंगे कंपेयर टू अपने पिछले दिवाली इवेंट के। आने वाले टाइम में दिवाली इवेंट से रिलेटेड मैं तुम्हें और भी काफी सारी न्यूज दूंगा, लेकिन फिलहाल टाइम हो चुका है अपनी फ्री फायर की एक मस्त सी मीम देखने का। 1, 2, 3, 4, 5, जब मेरा दोस्त बोलता है भाई मैं भी टॉप अप करूंगा, तब मैं, लेकिन गिरवी रखेगा क्या, 4 जोड़ी चड्डी बनियान छोड़ कुछ है तेरे पास? हाँ यार, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो कहता है कि अब से मैं भी टॉप अप करूंगा, लेकिन आप कहते हो कि भाई तेरे पास गिरवी रखने के लिए भाई कुछ है, चड्डी बनियान। वैसे भी डायमंड वाले इवेंट इतने खतरनाक आते हैं कि भाई चड्डी बनियान अगर गिरवी रख देंगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा। मीम काफी अच्छी थी, तो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की ओर। हाँ तो मित्रों, बहुत ही सारे मित्रों का बस यही क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मिस्ट्री शॉप कब आएगा। तो देखो गाइस, मिस्ट्री शॉप भी आ सकता है, लेकिन लकी विल भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मिस्ट्री शॉप ही आएगा या फिर लकी विल। अगर गाइस लकी विल आता है, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा,
जिसके अंदर अपने बुयर्डी इवेंट 2023 के दो बंडल दिखने को मिलेंगे और बाकी के दो बंडल अपने ओल्ड बुयर्डी इवेंट के रहेंगे। देखो गैस, मैं तो चाहता हूँ कि लकी विल आए, ठीक है, क्योंकि गैस मेरे लिए नहीं आप सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लकी विल को आप लोग देखो भाई, इसके अंदर रिवॉर्ड एक से बढ़कर एक है। अगर गैस लकी विल नहीं आता तो आपको दिखने को मिलेगा मिस्ट्री शॉप, जिसके अंदर आपको ये दो बंडल दिखने को मिलेंगे। अब इस दो बंडल के जगह पे अपने बुयर्डी इवेंट 2023 के भी दो बंडल आ सकते हैं। अगर कोई यूट्यूबर तुम्हें कहता है कि लकी विल ही आएगा तो झूठ है। अगर कोई यूट्यूबर तुम्हें कहता है कि मिस्ट्री शॉप ही आएगा तो ये भी झूठ है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आएगा, जो कि भाई अभी सिर्फ पॉसिबल ही हुआ है, और ना ही गैस इस इवेंट की डेट वगैरह भी निकल के आई है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे बने रहो, जबकि भाई अगर कंफर्म होता है ना तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी गैस मैं आपके सामने झूठ तो नहीं बोल सकता ना कि हाँ भाई ऐसा ही आएगा, बाकी फिर भले कुछ ना आए। अगर आप लोग समझदार हो तो समझ गए होंगे। बाकी बात करते हैं अपने बुयर्डी इवो बंडल रिटर्न की। बुया बंडल रिटर्न रिगार्डिंग मैंने आपको टोटल दो डेट दी थी, पहला 1 अक्टूबर से लेके 5 अक्टूबर और दूसरा अक्टूबर के सेकंड वीक यानी 7 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर के बीच में। मुझे लग रहा था कि भाई 1 अक्टूबर आने से पहले इसके रिगार्डिंग कोई तो अपडेट मिल ही जाएगी, लेकिन सच ये है कि गैस अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट मिली ही नहीं। और गैस अब तो ऐसा लग रहा है कि आपका यार फेवरेट बुया बंडल रिटर्न नहीं आने वाला। जी हाँ गैस, थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा सा दर्द देगा, लेकिन देखो ठीक है गैस, जो रियलिटी है वो मुझे आपको बतानी ही पड़ेगी। हाल फिलहाल का यही अपडेट है कि बुयर्डी इवो बंडल रिटर्न नहीं आने वाला, लेकिन देखो कन्फर्म मत समझो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन यार थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो। कोई डेट वगैरह निकल के आती है, कन्फर्म अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको मेक श्योर जरूर बताऊंगा। बाकी तब तक गैस OB42 अपडेट के बाद गरेना 6 से भी ज्यादा कोलैबोरेशन करने वाला है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। OB42 अपडेट के बाद कौन कौन से चेंजेस होंगे वो तुम्हें जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।